हेलो गाइस, वेलकम टू बी बोर्ड। चालू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, द एट्थ एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया 2019 ओपन्ड एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्क्स डैश। होम एक्सपो इंडिया 2019 का आठवां संस्करण इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट डैश में खुला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। तो हमें याद रखना है कि होम एक्सपो इंडिया 2019 का एट्थ एडिशन, होम एक्सपो इंडिया 2019 का एट्थ एडिशन, ये कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा पे। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? EPCH, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। ये एक नोडल बॉडी है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इंडिया में। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर NRIs रिसाइडिंग इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के सदस्य देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए NRI इंस्टा ऑनलाइन खाता खोलने की प्रतिक्रिया शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IDBI बैंक। तो इसमें सिंपल समझ में आ गया कि IDBI बैंक ने क्या किया है, NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस एक चीज़ लॉन्च की है। किनके लिए? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर्स कंट्रीज में रहने वाले NRI के लिए। तो IDBI बैंक ने NRI इंस्टा ऑनलाइन एक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। ये एक लॉन्च की है किसके लिए? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर कंट्रीज में रहने वाले NRIs के लिए। IDBI हम लोग देख ही चुके थे कि IDBI जो है, इसे अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें जो 51% स्टेक हैं वो LIC को दे दी गए हैं। आगे देखते हैं, द फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैज़ अपॉइंटेड डैश एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने डैश को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इस्तिया। तो हम लोग ने ये देख चुके हैं आई थिंक कि फिलिस्तीन के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तिया। तो फिलिस्तीन के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम मोहम्मद इश्तिया। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? महमूद अब्बास। फिलिस्तीन की कैपिटल की देख लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है, फिलिस्तीन की जो कैपिटल है उसका नाम है रामल्ला एंड ईस्ट जेरूसलम। आगे देखते हैं, ADB committed to provide dash billion US dollar in sovereign loans to India in 2018, the highest level of assistance since sovereign operations began in the country in 1986. ADB ने 2018 में भारत को संप्रभु ऋणों में डैश बिलियन US डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया। 1986 में देश में संप्रभु संचालन शुरू होने के बाद से सहायता का उच्चतम स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 3 बिलियन। तो ADB ने क्या किया है, अपनी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सोवियन लोन इंडिया को देने का प्रोवाइड किया है। कितना है? जो कि 3 बिलियन US डॉलर। तो ADB ने क्या किया है, इंडिया को सोवियन लोन्स, दो टाइप के लोन्स होते हैं, एक होता है सोवियन लोन, एक होता है कॉर्पोरेट लोन। तो सोवियन लोन वो लोन होता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। तो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया जाएगा उसको कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 3 बिलियन इन 2018। ADB की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में। इनके प्रेसिडेंट का नाम है ताकेही कोनकाओ, और इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो 68 कंट्रीज़ हो गई हैं, और जो लास्ट है वो है न्यू मेंबर है, उसका नाम है न्यू। अभी ADB ने निकाला है अपना जो GDP ग्रोथ है, पहले बोला है 7.2 रहेगा 1920 में, और 2021 में हो जाएगा 7.3%। अभी देखते हैं, इंडिया वॉज अ नेट इम्पोर्टेड और स्टील ड्यूरिंग 2018-19 फिस्कल ईयर द फर्स्ट टाइम इन डैश ईयर्स। भारत 2018-19 वित्त वर्ष के दौरान स्टील का शुद्ध आयातक था पहली बार डैश वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सालों में। तो इंडिया क्या था, स्टील का नेट इंपोर्टर था ड्यूरिंग 2018-2019 फिजिकल ईयर, 3 साल में पहली बार। आगे देखते हैं, गूगल हैज़ ओपन्ड इट्स फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर एट डैश। गूगल ने डैश में अपना पहला अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र खोला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाना के अक्रा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रा। तो गूगल ने क्या किया, अपना पहला AI सेंटर खोला है कहाँ पे? घाना के कैपिटल अक्रा में, घाना के कैपिटल अक्रा में। तो किसने खोला है? गूगल ने क्या खोला है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोला है कहाँ पे? घाना की कैपिटल अक्रा में। गूगल के CEO का नाम क्या है? सुंदर पिचई। घाना की कैपिटल क्या है? आक्रा। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है CD, घानेनियन CD। अब देखते हैं,
Which of the following small finance bank has been awarded the prestigious Silent Model Bank 2019 award in the category of financial inclusion for redesigning lending to reach small businesses? निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक को वित्तीय समावेशन की श्रेणी में प्रतिष्ठित सेलेंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया? छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने को फिर से तैयार करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है जो कि है सिलेंट मॉडल बैंक अवार्ड उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फॉर रीडिजाइनिंग लेंडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेस। रीडिजाइनिंग लेंडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेस, तो हमें से क्या याद रखना है, किसे सिलेंट मॉडल बैंक अवार्ड 2019 मिला है? तो ये मिला है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक SPF, इसके MD और CEO का नाम क्या है? राजीव यादव। और ये लॉन्च हुआ था इन 2017। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द गुडविल एम्बेसडर ऑफ टीम इंडिया एट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप SSWC। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप SSC-WC में निम्नलिखित में से किसे टीम इंडिया का सद्भावना दूत नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मिताली राज को। तो जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है लंदन में, इसमें जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो कौन बनी है? मिताली राज। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वुमेन कप जो कि लंदन में होने वाला है उसके लिए गुडविल एम्बेसडर की तरह चुना गया है। आगे देखते हैं, जनरल विपिन रावत कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डैश थर्ड इन द सीरीज ऑफ ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ द कोस्ट गार्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरा। तो आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल बिपिन रावत ने क्या किया है, एक वीरा जो कि एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है इसे कमीशन किया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये जो है ये जो ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है उस सीरीज की थर्ड नंबर का है वीरा। तो ये जो है जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत ने उन्होंने क्या किया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है वीरा उसे कमीशन किया एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। INVPN Bilat EX, the bilateral maritime exercise took place between Indian Navy and Dutch People's Navy. INVPN Bilat X द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और Dutch People's Navy के बीच हुआ। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। तो IN मतलब इंडियन नेवी और VPN वियतनाम पीपल नेवी, ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब कि एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच में हुई? इंडियन नेवी और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच में। कहाँ पे? वियतनाम के कैम रे बे में। इसका एडिशन क्या था? सेकंड एडिशन। तो ये भी याद रखना है। कल का रिविजन करते हैं, इंडिया का पहला फॉरेन इंटरैक्टिव बर्ड पार्क बना एक्सेल वर्ल्ड बर्ड पार्क कहाँ पे? मुंबई में। रोंगली बिहू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? आसाम में। होम एक्सपो इंडिया 2019 ये कहाँ पे बिगिन हुए? ग्रेटर नोएडा में। चाइना ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन बोट जिसका नाम है मरीन लिजर्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या जीता? पुलित्जर प्राइज जीता ट्रंप्स और उनकी फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2019 पुलित्जर प्राइज अनाउंस किए गए वालून और क्वासोओ उनको यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज के लिए चुना गया। IDRBT ने एक क्या किया है 5G लैब सेटअप किया है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए। बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ के हो गया है 13.24% इन फिस्कल 2019 RBI डेटा के अकॉर्डिंग। सिंगापुर ओपन हुआ इसमें मेन सिंगल जीता है केंतो मोमोता ने और वेमेन सिंगल जीता है ताइपी की ताइजियो सिंह। शटलर हर्षील धानी इन्होंने क्या किया डच इंटरनेशनल बैटमैन टाइटल जीता। रेनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट के शिव कुमार इनका निधन हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर।